डर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में मैं ग्रेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ विजय ऑप्टेंड अ लोन ऑफ रुपीज सिक्सटी फोर थाउजेंड अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी टू पॉइंट फाइव पैसा पर रुपी पर एन एम कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर थ्री ईयर्स तो प्रिंसिपल क्या है हमारा इस क्वेश्चन में सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज़ ये हमारा पी है हमें क्या कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पेबल आफ्टर थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स क्या है हमारा एन है और दूसरा क्या दिया है इसमें टू पॉइंट फाइव पैसे पर रुपी पर एन तो कैलकुलेट कैसे करना है पर एन मतलब एनवली कैलकुलेट करना है पर यहाँ पे जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो टू पॉइंट फाइव पैसे पर रुपीस है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा पर हंड्रेड रुपीस में ठीक है तो वो कैसे करेंगे वो आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से समझना है बाकी तो फॉर्मूला जो है उसका वही अप्लाई करके आंसर निकल जाएगा तो जैसे मैंने समझाया पी और एन दिया हुआ है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू पॉइंट फाइव पैसे पर रुपीस पर एन पर एन मतलब एनुअली पर रुपीस मतलब एक रुपये पे टू पॉइंट फाइव पैसा इंटरेस्ट देना होगा उसको एक रुपये का टू पॉइंट फाइव पैसा तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पर हंड्रेड में तो पर हंड्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो टू पॉइंट फाइव हंड्रेड पैसा पर हंड्रेड रुपीज़ ठीक है ये वन रुपीज़ का था और ये मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा पर हंड्रेड रुपीज़ हो जाएगा पर अभी भी ये पैसा ही है ठीक है तो अब इस पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वन रुपी यहाँ पे मैंने छोटा पेंसिल से लिखा है वन रुपीज़ इक्वल टू हाउ मैनी पैसा हंड्रेड पैसा तो हमें एक्स रुपीज़ में चाहिए इज़ इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड पैसा तो टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़ ये हमें कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से लिखा हमने और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड और ये एक्स इंटू ये पैसे वाला हंड्रेड इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया इसको टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड बाई हंड्रेड रुपीज़ पर हंड्रेड रुपीज़ इतना रुपीज़ है कितना रुपीज़ है पर हंड्रेड रुपीज़ पर एन आई होप आपको करना समझ में आ गया होगा तो पहले हमने क्या किया है पर रुपीज़ को हमने पर हंड्रेड रुपीज़ बनाया बाद में सेकेंड स्टेप में ये पैसा जो है वो हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया इतना पैसा जो है वो हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से तो इस तरीके से हमें मिल गया अब इसका परसेंटेज कैसे निकला तो परसेंटेज मतलब क्या होता है परसेंटेज मतलब पर हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पर हंड्रेड तो निकाल ही दिया है तो ये क्या हो गया टू पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम पर रुपीज़ पर हंड्रेड हो गया पर एन एम तो इस तरीके से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हमारा टू पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम अब नेक्स्ट स्टेप जो फार्मूला है हमारा अमाउंट फाइंड करने का डायरेक्टली क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्री इयर्स दिया है और कैलकुलेट भी करना है हमें एनुअली तो हम डायरेक्ट जो फार्मूला है वो वाला अप्लाई करेंगे p इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल रेज टू ये n तो ये फार्मूला में हम p की r की और n की वैल्यू डालना है सिर्फ तो p है सिक्सटी फोर थाउजेंड आर है टू पॉइंट फाइव एंड एन नंबर ऑफ़ ईयरस दिया है थ्री अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमको पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना होता है तो स्मॉल ब्रैकेट में टू पॉइंट फाइव है तो वन पॉइंट हटा के ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा के राइट हैंड साइड में यहाँ पर इस साइड में तो क्या हो जाएगा नीचे एक जीरो ऐड हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई थाउजेंड हो जाएगा जब पॉइंट जो है टू पॉइंट फाइव है ये पॉइंट शिफ्ट होके जब राइट हैंड साइड चला जाता है तो नीचे ए, डिवीजन में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है लाइक दिस वे ठीक है तो वो हमने किया है इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में अब स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पे मैंने सिम्प्लीफाई किया ट्वेंटी फाइव और थाउजेंड को फाइव से डिवाइड करते गए तो आंसर आएगा हमारा वन बाई फोर्टी अब वन प्लस वन बाई फोर्टी इसी स्मॉल ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा फोर्टी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी प्लस वन दैट इज़ फोर्टी वन बाय फोर्टी इस तरीके से ये आंसर आया हमारा ए नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट जो है पूरी तरह से सॉल्व हो गया फ्रैक्शन मिल गया हमको फोर्टी वन बाय फोर्टी होल रेस टू थ्री मतलब क्या होल रेस टू थ्री या पावर थ्री मतलब क्या फोर्टी वन बाई फोर्टी को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया और सिक्सटी फोर थाउजेंड एज इट इज़ है जो है अभी इसको हम सॉल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तीन जीरो है ये तीन जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी का आप डिवाइड करके आंसर जब लाओगे तो आएगा आंसर सिक्स थाउजेंड एट हंड सॉरी सिक्सटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन ये आंसर आएगा तो ये आंसर क्या आया टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट आता है इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से ये जो हमारा वैल्यू आया वो बैंक में टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके निकल जाती है डायरेक्टली इस फार्मूला से तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है इस 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 वैल्यू के अंदर हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है वो हमें निकालना है तो ये जो सिक्सटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन आया माइनस जो हमारे इनिशियल वैल्यू थी प्रिंसिपल था फर्स्ट प्रिंसिपल सिक्सटी फोर थाउजेंड वो करेंगे तो फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन जो है ये हमको इंटरेस्ट मिला है इतना रुपीस हमारा इंटरेस्ट का है इसमें थ्री इयर्स का तो आई होप आपको समझ में आया है कि ये सम को कैसे सॉल्व करना है अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग